मेरा YouTube होम पेज एकदम चितकबरा हो गया है, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से मैंने जितने भी वीडियोस बना के लोगों का मजाक उड़ाया है वो सारा गुफी मटेरियल मैंने YouTube पर ही देखा है। तो इसलिए YouTube ने मेरे को भैरूपिया समझ लिया है कि ये आदमी तो ऐसा ही कंटेंट देखता है, एक से बढ़कर एक ऊटपटांग कंटेंट सजेस्ट करता है मेरे को। टाइम पास करने के लिए भी जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ तो भी मेरे को अच्छा वीडियो नहीं मिलता है, बस स्क्रॉल ही करे जाता हूँ मैं। बड़ा ही परेशान हो चुका हूँ मैं पिछले कई दिनों से, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज खोल के देखते हैं, जमाने ही हो गए उसे खोले, YouTube ऑफर क्या कर रहा है देखे तो सही। तो यही सोच के मैंने YouTube ट्रेंडिंग पेज खोला था सुबह, और मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया और मैं सुबह का भूला वापस इस चेयर पे आ गया हूँ मजाक उड़ाने। कुछ भी ट्रेंड हो जाता है, समझ भी नहीं आता मेरे को कैसे ट्रेंड हो रहे हैं। शॉर्ट्स बहुत प्रमोट कर रहा है YouTube, पता नहीं क्या। मेरा भी एक पुराना शॉर्ट उठा लिया, शायद 5 मिलियन व्यूज हो गए होंगे उस पे, जो सही बताऊं तो मैं तो नहीं चाहता था यार, पर कोई चक्कर नहीं यार, आए व्यूज को मना नहीं करते। फिलहाल मैं YouTube ट्रेंडिंग सेक्शन की बात कर रहा था आपसे। बहुत ही खतरनाक सीन है वहाँ पे, कुछ भी ट्रेंड हो जाता है, शॉर्ट्स भर रखे हैं, एंड बैंड सा कंटेंट है जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। किसी जमाने में सबसे पहले आया करता था यहाँ पे, बट आजकल यहाँ पे आ चुका है नीचे, क्योंकि इनको भी पता है शायद कोई नहीं ढूंढ रहा, लेकिन कंटेंट हम ढूंढ लेते हैं। राजकुमार खेती, क्रिएटर ऑन द राइज, खेती बाड़ी दिखाता हूँ मैं आपको इसकी। पहले हमारे वीडियो को भी लाइक कर दिया करो तो हम भी टिकटॉक के स्टार हो जाते। टिकटॉक स्टार बनने के लिए ये यूट्यूब शॉर्ट बना रहा है, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी बना ली इसलिए खेतीबाड़ी करके। और ये क्या टाइटल है, वीडियो देख लो वरना पछताओगे। ये यूट्यूब ने अपने ट्रेंडिंग पेज का ठेका जिसको दे रखा है उसने देख लिया दिखे ये शॉर्ट, तो उसने सोचा कि यार मेरे को पछताना पड़ेगा तो मैं इसके पूरे चैनल को ट्रेंड करा देता हूं। हम आपके लिए ताजी हरी सब्जी लेकर आए हैं, सब्जी का ठेला भी लगा लिया है इसने इंटरनेट पे, जरा सब्जी भी खरीद ली जाए थोड़ी सी। आपको जो भी चाहिए इसको ऑर्डर कर लेना, ये होम डिलीवरी कर देगा आपके घर पे, खीरे ककड़ी टमाटर टिंडे और बैंगन सब पहुंचा देगा ये। हमें भी लाइक कर दिया करो, ताजी हरी सब्जी आपके शहर पहुंचाते हैं। सब्जियों में खाद ये लाइक की तो देता है, ये सारे वीडियो जैसे ही बनाता है लाइक कर दो फलाना कर दो, जो कि बुरी बात तो नहीं है, लेकिन यार ट्रेंडिंग पे क्यों, खेतीबाड़ी पे ध्यान लगाने दो उसको। अभी ट्रेंडिंग पे पटक दोगे तुम लोग तो उसे खेतीबाड़ी छोड़ के लगाने पड़ेंगे ना यूट्यूब पे शॉर्ट। 1200 व्यूज, 10,000 व्यूज, 3,000 व्यूज, बहुत ही राइज पर चल रहे हैं क्रिएटर, वेरी गुड, शानदार। ट्रेंडिंग शॉर्ट्स, ट्रेंडिंग पे 2 लॉन्ग वीडियोस दिखी है अभी तक, बाकी धमाधम शॉर्ट्स ही चल रहे हैं। सोफा देखने आ गई कीर्ति, अरे आज दिल्ली में हम कीर्ति नगर सोफा लेने आए हैं। अच्छा तो हम फिर ये वाली शॉप से फर्नीचर लेंगे क्या? ये से आँख फाड़ फाड़ के कैसे बात कर रहे हैं, पागल हो गए क्या दोनों के दोनों? समाज में आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे शॉर्ट्स देख के बिगड़ रहे हैं। हमारा जो नया घर बन रहा है उसमें एक तराई वाला रख रखा है हमने, उसके 3 बालक हैं छोटे छोटे से, ऐसे ही शॉर्ट्स देखते रहते हैं वो, और जब नहीं देखते ना तो ऐसे ऐसे ही करके बात करते हैं। फिर वो यहाँ से बहुत सही रेट में फर्नीचर मिलते हैं, आ जा। यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर्स हैं। तो बता फिर ये वाला सोफा ले ले, ठीक है? धीरे धीरे रिकॉर्ड कर लेते हैं ये अपने फनी एक्सप्रेशंस देके, फिर घर पे जाके चुपचाप रिकॉर्ड करते हैं वॉइस ओवर बाद में। भरी पब्लिक में तो ऐसे बोलते हुए इनको लोग पकड़ ले तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी, फिर पब्लिक में तो ये सिर्फ अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स ही दिखाते हैं 20% डिस्काउंट लेने के लिए। ये वाला ब्लैक देख, ब्लैक ले ले। ये ब्लैक नहीं, हम ये वाला व्हाइट लेते हैं। अरे ये छोरा छोरी ने मिलकर एड बना रखा है ये दुकान का जहाँ पे ये अपना फर्नीचर लेने आए हैं। स्पॉन्सर्ड वीडियो जिसे यूट्यूब अपने ट्रेंडिंग पेज में चला रहा है नंबर 1 शॉट पे। नहीं भाई, ये दुकान वाले ने किस किस को पैसे खिला दिए, गजब प्रमोशन चल रहा है यार पूरा। बेटी की मदद करके बचा ली जान। अरे मैडम जी रुको, ये सारे तरबूज आप कितने का दे रही हो? एब्सोल्युटली मजेदार वाइब्स है पूरे वीडियो की इनकी। गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसलिए पुलिस वाले साहब ने ढीले ढीले कपड़े पहन रखे हैं, पैंट को लोएस्ट भी कर रखा है, और ये डडियल ने अपना झोला डाल रखा है गले में, जो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले एक्टिंग मोड में आ गया है। ये सारे तरबूज आप कितने का दे रही हो? भाई साहब 500 रुपए का। बेचने वाली तो रट के ही आई थी कि 500 रुपए का ही बेच रही हूँ मैं ये सारे, इसको पता नहीं है कि कितने तरबूज हैं। एक नॉर्मल ठेले वाले के पास अगर आप जाओगे और उसको बोलोगे कि दादा भाई तू कितने का बेच रहा है ये सारा सामान, तो वो पहले चेक तो करेगा ना कि यार मैं ये इतना इतना है, वो हिसाब तो लगाएगा ना। बहन जी नहीं लगाती, बहन जी की गणित एकदम सॉलिड है, बिना देखे ही हिसाब लग जाता है इनके भेजे के अंदर ही। वो बात अलग है गमछा वाला पूछ ले किस हिसाब से तो बहन जी नहीं बता पाएगी। नहीं क्या लौकी टमाटर किस हिसाब से दे रही है, पूरा ठेला बेच जाएगी क्या 500 रुपए में? अरे मैडम जी एक तरबूज कितने का है? अरे सर आप देर कर दिए, मैंने सारा तरबूज इन भाई साहब सारा तरबूज चल रहा है, 4 तरबूज सारे से नहीं है, सारा तरबूज बेच दिया है। कितने खर्चा है सारा तरबूज? 500 रुपए का। अरे मैडम जी मुझसे 1000 रुपए लीजिए सारा तरबूज का। हट जाओ सारे, CID का पड़दादा आ गया, सीधी डबल रेट में दे रहा है, एकदम कैजुअली दे रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता 500 रुपए से इसको। और ये कैसे बोल रहा है भाई, ऑडियो तो ये इनने घर जाके रिकॉर्ड किया है जो ये पुलिस वाले ने गले के अंदर हाथ डाल के खुजा के कराए। वो बेली एलिस नहीं है क्या, जैसे उसके वोकल्स में एक टेक्सचर रहता है ना, ये हवलदार से ही तो सीखा था उसने। अरे कितने खर्चा है सारा तरबूज? पुलिस वाले से बात करोगी? ये लो 50,000 रुपए,
और ठेला छोड़ के चले जाओ तुम। 5 रुपए की खैनी दबा रखी है इसने मुंह में और 50,000 रुपए दे रहा है ये 4 तरबूज के लिए। नशे पत्ते की तस्करी कर रही है या इन तरबूजों के अंदर जो इसको खरीदना है सारा। अगर इसके अंदर चिट्टा चुट्टू नहीं भी है तो ऐसा क्या मजा आ गया इसको तरबूज देख के। कुछ भी हो जाए ये 4 तरबूज तो मैं ही खाऊंगा, मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले तू, लेकिन ये ठेला और ये तरबूज तो यहीं छोड़ के जाएगी। गजब ठंडदार आदमी है और तू 50,000 दे रहा है बिना कि नहीं दे रहा है। ये कहाँ का हवलदार है जो जेब में इतना कैश लेके घूम रहा है। मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है ये शॉट आगे जाके इमोशनल कर देगा। ठीक है मैडम जी ले लीजिए। अरे मैडम जी अब कैसी है आपकी बेटी? अरे आप दोनों तो उस दिन तरबूज के लिए लड़ रहे थे। लड़ रहे थे कब? शांति से ही तो काम हुआ था सारा। चलो कोई बात नहीं मान लेते हैं कि ये दोनों लड़ मरे, पर ये कन्या रोड पे क्यों झाड़ू लगा रही है? बेटी को दिखाइए। मैडम जी अब आपकी बेटी कैसी है? सर ये तो अब ठीक है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैडम जी दरअसल बात ये है कि अरे सर आप इसको तो पकड़ के ले जा रहे हैं, लेकिन आपको पता है इसने चोरी क्यों किया था? इसकी बहन के बेटी को कैंसर है। इनके मोहल्ले में ना तो मोहल्ला है ना आंटी है, तो इसलिए अनपढ़ आंटी का काम ये पूरा कर रहा है, सारी डिटेल रखता है ये पूरे गांव की। घर से सुबह ही अपना गमछा डाल के निकलता है, जिससे मुंह छुपा के ये लोगों की कुटिया के पीछे जाके उनकी बातें सुनता है। और कॉस्ट्यूम वर्क नहीं देखा क्या तुमने इनका? ये कैदी घर से ही कैदी की ड्रेस पहन के अरेस्ट हो रहा है। ये हवलदार नहीं बदलते इसके कपड़े घर से निकलने से पहले। पैशन है इसका ये काम करना, इसलिए ज्वाइन करी थी इसने ये झोला छाप फोर्स। इलाज के लिए इसने पैसे चुराया। मैडम जी आपका ठेला। ये जो छोटी बच्ची है इसका ना अभी कुछ दिनों पहले जड़ूला हुआ था। जड़ूला होता है उसमें से बच्चों का पहली बार बाल काट देते हैं, सारे गंजा कर देते हैं, उसे बोलते हैं जड़ूला। तो वो हुआ था इस बच्चे का भी। तो ये सारी गैंग को अपॉर्चुनिटी दिखी है शॉर्ट वीडियो बनाने की, जो बना के ये ट्रेंडिंग पे आ गए। अभी और दिखाता हूं मैं आपको ट्रेंडिंग सेक्शन का मटेरियल। शॉर्ट्स तो ऐसे कचरे ही चल रहे हैं, अब अपन थोड़े लॉन्ग वीडियोस देखते हैं। लॉन्ग वीडियोस में क्या है? दो चार बीबी वाला अरमान मलिक है ये, जिसने ये नंबर वन रेकॉर्ड्स नाम से चैनल बना रखा है। और भी इसके गानों के चैनल है जहाँ पे ये लोगों से गाने खरीद के ऐसे प्रिटेंड करता है ये गाने इसने बनाए हैं। 25-30 हजार में गाने खरीद लेता है ये आर्टिस्टों से, जिनको फेम का लालच देके 5,000 रुपए और कम करवा लेता है। ऐसे करके रैकेट चला रखा है इसने गानों का। ये वो शिवजी वाली चीज है यार, मेरे को नाम तो नहीं पता, पर इतना तो बताया कि तलवार तो नहीं है। तलवार का साउंड इफेक्ट लगा दिया, अब गाने में इसकी लिपसिंग चलेगी बढ़िया। बोल ये रहे हैं लेकिन सब किसी और के हैं। गाने पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, पर इसकी हरकतें ऐसी है, ये सारा काम ऐसे ही करता है ये और इसका सारा कॉन्टेंट क्रिएटर परिवार। सबके चैनल बना दिए इसने। कुमकुम भाग गया। अरे चौंधिया गई मेरी ये आंखें तुम्हारी जब जब देख के। सारे ट्रांजिशन आज ही चिपका दोगे क्या? ये टीवी सीरियल्स के भी तगड़े ही सीन है भाई। एंटिक टीवी सीरियल बनते हैं अपने यहाँ पे, और ये सास बहू वालों की तो बुरी हालत है बिल्कुल। पता नहीं कौन ही देख रहा है इनको, लेकिन जो भी देख रहा है बहुत लोग हैं यार ये देखने वाले। तगड़े व्यूज आते हैं इनके। अरे भाई ये क्या टाइटल है? हैशटैग वीडियो। पता है हमको भी यार वीडियो है, वीडियो डलते हैं यहाँ पे। पति पत्नी के लिए वट सावित्री पूजा पर आधारित प्यार भरा गीत। आपको ये देख के यूं लग रहा होगा कि भाई पूजा पाठ चलेंगे, भजन कीर्तन होते दिखे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंटी जी ने गाना बनाया तगड़ा। ये सारी एंटी जियो का कोऑर्डिनेशन अपन इग्नोर करते हैं और गाने के कंपोज पे फोकस करते हैं। ये गाना वो सलमान खान के गाने की तरह नहीं लग रहा क्या? उससे शादी करोगी। ये कैसी पूजा चल रही है? सलमान खान के गाने भी उठा लिए। गुम है किसी के प्यार में सास बहू और बेटियां। अरे भाई ये क्या चैनल नेम है यार? ये पॉपुलर वीडियो तो खतरनाक ही है इनकी। अपने देश में लगभग 7.21 मिलियन सास बहू और बेटियां मौजूद हैं। आज दुल्हन सी सज गई है सभी, देखिए कैसे सभी ने पहना है दुल्हन का जोड़ा, किए हैं 16 श्रृंगार, पहनी है हरी चूड़ियां। तो ये बहन जी ऐसे क्यों बोल रही है? ये एंड वन तरीके से क्यों बोलते हैं सारे? ऐसी आवाज सुन के कौन मजे ले रहा है यार? असली में तो ऐसे बात नहीं करते होंगे ये लोग। हैशटैग वीडियो, हैशटैग केसरीलाल यादव, टाइटल की तो बैंड बजा के रखते हैं ये पूरी। कोई नहीं यार अब ये बजे हुए टाइटल के अंदर बजा हुआ गाना ही सुन लेते हैं अपन तो। ये देख लो भाई मेट्रो जूम इन को, जूम इन जूम आउट करके गाने बना रहा है ये। तगड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर है इनके पूरे क्षेत्र का। स्टूडियो मॉनिटर को जबरदस्ती में साइड में गिरा के रख रखा है ताकि भीड़ से अलग दिखे ये। ओ महाराज सीधा ही मेल ले उसको। कंपनी को अगर लेटवाना होगा तो वो अपना लोगो ऐसे देगी कि वो लेटाने पे सीधा दिखे। ठीक है भाई अगली बार जब मैं तेरा गाना सुनूं तो आई होप सीधा मिले मेरे को स्पीकर।
गजब बैंगर बज रहा है यार। लैड्स मस्ट बी थिंकिंग दे क्रिएटेड बिलबोर्ड हिट कमला फुल गेम प्ले। तो ये टोटल गेमिंग को तो आप जानते ही होंगे, बहुत बढ़िया चेस खेलता है, मजा आ जाता है इसका चेस देख के। प्रो प्लेयर है ये चेस का बहुत बड़ा। ऐसे शानदार मूव चलता है ये कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि ये क्या चल दिया, जैसे अब मैं भी चलता हूँ यहाँ से। ये टोटल गेमिंग का टोटल हिसाब किताब अपन फिर कभी देखेंगे। फिलहाल अभी हमारे घर में रजाई गद्दे खत्म हो गए हैं, तो इसलिए मेरे को नए रजाई गद्दे लेने पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अगर आपको भी चलना है तो यहाँ से आ जाओ, सस्ते रेट में रजाई गद्दे दे रहा है ये आदमी। ओके जी, अब मैं चलता हूँ, राधे राधे।